हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आज मैं आई हूँ सुंगांग मार्केट। तो आज क्रिसमस है, इसलिए सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस। और जैसे आपको पीछे दिख रहा है, ये सेंजिन का सुंगांग मार्केट है और यहाँ पर सीजनल डेकोरेटिव आइटम्स भी मिलते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर मार्केट है, तो मैंने सोचा आपको यहाँ के कुछ क्रिसमस आइटम्स दिखा देती हूँ कैसे है। ठीक है, ये होलसेल मार्केट है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी टॉयज़ एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स वगैरह लेने के लिए आ सकते हो, बट जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है जैसे क्रिसमस या फिर चाइनीज़ न्यू ईयर या फिर हैलोवीन, तो उन सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर रखी जाती है बाहर सेल के लिए। और अगर उन फेस्टिवल्स के टाइम अगर आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा उन फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी आइटम्स खरीदने होंगे उस पर। इवन शॉप्स के बाहर भी इन्होंने अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। चलते हैं शॉप्स में और कुछ मैं आपको थोड़े बहुत ऑर्नामेंट्स दिखा देती हूँ। ऑफ कोर्स क्रिसमस है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिसमस ट्री, तो यहाँ पर कुछ उन्होंने विंटर थीम क्रिसमस ट्री रखे थे एंड रिलेटेड एनिमल्स। देन कुछ स्नोमैन के तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी थी, लाइक दिस स्नोमैन इज़ फॉर 85 RMB, दैट इज़ अराउंड 850 RMB। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के आपको प्राइजेस बता दूँगी, सारे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। देन ये अराउंड 350 का है, 35 RMB, और ये सांता क्लॉज मुझे बहुत क्यूट लगा, ये सिर्फ 10 RMB का है, अराउंड 100 रुपीज़। देन यहाँ पर कुछ कैलेंडर्स, ये अराउंड 450 से 200 के बीच में। ये सेक्शन काफ़ी कलरफुल लग रहा था, वुडन पर काफ़ी कुछ कलर किया हुए सारे ऑर्नामेंट्स थे, सो दे वर क्वाइट ब्यूटीफुल। फिर कुछ स्नो ग्लोब्स, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। देन यहाँ पर कुछ हाउसेस विद स्नोफॉल थीम इनसाइड इट। सम क्रिसमस बेल्स। अगेन यहाँ पर कुछ और स्नोमैन थे। सॉफ्ट टॉयज़ में भी यहाँ पर काफ़ी सारा वैरायटी आपको मिल जाएगा, इसमें भी काफ़ी डिफरेंट रेंजेस थे, बट आपको अराउंड 300 तक ये सॉफ्ट टॉयज़ मिल जाएंगे। ये क्रिसमस के कुछ शो आइटम्स हैं और ये सारे वुड के बने थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अब कुछ स्टॉकिंग्स देख लेते हैं। ये स्टॉकिंग्स अराउंड 15 RMB, दैट इज़ अराउंड 150 के है। स्टॉकिंग्स में काफ़ी सारा वैरायटी था, कोई भी आप स्टॉकिंग लीजिए, ये अराउंड आपको 150 तक मिल जाएगा। फिर ये स्नोमैन भी अराउंड 150 के ही है, 15 RMB। ये पूरा पैकेट 30 RMB, दैट इज़ 300 का है। फिर क्रिसमस ट्री में लगाने के कुछ एक्सेसरीज, ये 100 को 3 थे, लेट इज 10 RMB को 3 थे। ये भी 100 को 3 है, इसमें भी डिफरेंट वैरायटी थी, सांता क्लॉज था, पेगविन था, स्नोमैन है, तो मोस्ट ऑफ द एक्सेसरीज मैंने यहाँ पर देखे वो 100 को 3 दे रहे थे, आप कोई भी लीजिए बस 100 को 3 है वो। फिर यहाँ पर कुछ रेंडियर रखे हैं, वो अराउंड 250 से 450 तक के हैं।
फिर यहाँ पर कुछ और क्रिसमस एक्सेसरीज़ है, ये भी सारे 100 को 3 है। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स एंड ऑप्शंस है आपके पास, आप कोई भी लीजिए, 10 को 3 दैट इज़ 100 को 3 मिल जाएंगे। फिर कुछ क्यूट सांता क्लॉज, फिर यहाँ पे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए हम जो बॉल्स यूज़ करते हैं उसमें आपको बहुत सारे कलर्स एंड डिज़ाइंस मिल जाएंगे। कुछ गिफ्ट बॉक्सेस, कुछ बेल्स, देन स्टार जो हम क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर लगाते हैं वो, कुछ एनिमल्स के ऑप्शंस भी हैं जैसे कि रेंडियर। कुछ छोटे क्रिसमस बेल्स, स्नोमैन, सम स्टॉकिंग्स एंड व्रेट्स ऑप्शंस। तो ऑब्वियसली ये टॉय एंड स्टेशनरी शॉप है, तो जब भी बच्चे यहाँ पे आते हैं ऑब्वियसली वो लोग बहुत खुश होते होंगे, और यहाँ पे इतने सारे कलरफुल एंड ब्यूटीफुल ऑप्शंस है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि किड्स विल गो क्रेजी। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। फाइनली उनके मम्मीज ने उनको ज़बरदस्ती यहाँ से वो लोग लेके गए। चलते हैं आगे, कुछ और शॉप्स देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑर्नामेंट्स वगैरह ही नहीं, आपको स्टिकर्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ बच्चों के कपड़े, फिर यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज भी रखे हैं, ये भी कुछ 20 RMB के थे, अराउंड 200। ये क्रिसमस थीम हेयरबैंड्स, ये भी 10 को 3 थे, दैट इज़ 100 को 3। यू नो एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना सब भीड़ होगा, क्योंकि मैं आफ्टरनून टाइम में आई थी, बट इट्स अ क्रिसमस टाइम, सबको कुछ ना कुछ लेना है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई। आपने देखा ही होगा बीच बीच में काफ़ी लोग दिख रहे हैं आपको जब मैं शूट कर रही थी, बट एनी वेज इट्स अ फेस्टिवल टाइम तो सबको शॉपिंग करनी है, सो इट्स ओके। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मुझे एक शॉप बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यही वो शॉप है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक टॉय जो है वो बीट से बनाया हुआ है। इवन ये हेलो किटी, रैबिट, क्रिसमस ट्री, अब जो भी देखिए सब कुछ यहाँ पर बीट से बनाया हुआ है, और ये शॉप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इवन दिस पियानो, इट्स सो क्यूट, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी होगी हर एक यू नो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, ये सांता क्लॉज हो या फिर ये रैबिट्स हो, ये क्यूट सा पपी हो या फिर ये क्रिसमस ट्री हो, सब कुछ बीट से बनाया हुआ है एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। इसमें उन्होंने लाइटिंग तक लगाई हुई है, तो ये शॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 3 फ्लोर का मार्केट है, और हर एक फ्लोर पर कुछ ना कुछ शॉप्स है, और हर एक फ्लोर पर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन में है शॉपिंग के लिए। यू नो मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं सिर्फ आपको क्रिसमस के यहाँ के आइटम्स दिखा दूँगी, बट यहाँ पर कुछ कुछ शॉप्स में इन्होंने यू नो चाइनीज़ आइटम्स भी लगाए हुए हैं, एंड चाइनीज़ ऑर्नामेंट्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स दे आर इन रेड कलर, बिकॉज अभी एक दो महीने में चाइनीज़ न्यू ईयर भी आ जाएगा, इसलिए वो लोगों ने अभी चाइनीज़ आइटम्स भी यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं।
एंड रेड कलर इन ये लोग बहुत शुभ मानते हैं. मैंने एक्चुअली पहले व्लॉग्स में भी काफ़ी सारे यू नो बता दिया है कि यहाँ पर रेड को बहुत शुभ माना जाता है. तो मैं आपको कुछ चाइनीज़ आइटम्स भी दिखा देती हूँ. आई एम श्योर आपको चाइनीज़ ऑर्नामेंट्स भी अच्छे लगेंगे. तो कुछ चाइनीज़ आइटम्स देखते हैं अभी. तो सबसे पहले मैं आपको चाइनीज़ लालटन्स दिखाती हूँ. दिस आर आप देख लीजिए, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. फिर चाइनीज़ कुछ वॉल हैंगिंग्स, यहाँ पर कुछ चाइनीज़ स्टाइल कैलेंडर्स हैं. ये चाइनीज़ रेड पैकेट्स है. इसमें फेस्टिवल के टाइम लोग इसमें कैश डाल के एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं. जनरली तो ये रेड कलर में होता है रेड पैकेट, बट इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो चाइना में लूनार कैलेंडर फॉलो करते हैं और हर एक साल के लिए उनका एक एनिमल असाइंड होता है. तो अभी 2021 के लिए ऑक्स इज़ अ एनिमल. तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे चाइनीज़ डेकोर आइटम्स में आपको ऑक्स एनिमल दिखेगा. ये कुछ स्टिकर्स है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऑक्स दिखेगा. ये देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है. आई थिंक दिस इज फेंगशुई रिलेटेड मनी ट्री. ये सारे वॉल हैंगिंग्स हैं. अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक ऑलमोस्ट 95% या 99% ऑफ द स्टफ़ अगर आप देखेंगे तो इट्स इन रेड कलर, बिकॉज रेड कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑस्पिशियस. स्पेशली चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम तो सब जगह पर यहाँ पर यू नो रेड कलर के आइटम्स आपको दिखेंगे. मुझे पर्सनली ये चाइनीज़ आइटम्स बहुत पसंद है एंड हर साल यहाँ पर जो भी एनिमल असाइंड होता है उस ईयर के लिए तो उस हिसाब से टॉयज़ आते हैं और हम यू नो वो सब लेते रहते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी ये यू नो चाइनीज़ आइटम्स शेयर करूँ. आई होप आपको भी ये आइटम्स अच्छे लगे होंगे. तो एक्चुअली मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी और मुझे ये क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे लगे थे. तो मैंने सोचा था इस बार मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने ये वीलॉग बनाया. तो आई होप आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए. एंड अगर आपको लगता है कि किसी को मेरे ये ऐसे वीलॉग्स देखना अच्छा लगेगा तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए. एंड सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बिग थैंक यू टू यू. एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीलॉग में. सो तब तक के लिए बाय बाय एंड Take care.